हेलो क्रिएटिव फ्रेंड्स, आज मैंने घर में पड़े सारे कबाड़ का यूज़ करके पत्तियों वाला लिम्पनेट बनाया है। इसके लिए वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें। मैं हूँ चेतना पटेल और चेतना क्रिएटिव क्राफ्ट चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। यहाँ पे मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और इसके ऊपर मैं 12 इंच डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इस सर्कल को हम इस कटर से कट करेंगे। ये कटर आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा और आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहो तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर के आप ऑनलाइन भी इसे बाय कर सकते हो। तो हमारा ये सर्कल कट होके तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छे शेप में कट हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके इसमें फेविकॉल को ऐड कर रही हूँ और इस फेविकॉल वाले पानी में हम पेपर के छोटे छोटे न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसेस को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पिकोएंगे। तो ये इसमें से मैं इन पीसेस को लेके हमारे कार्डबोर्ड के अराउंड इसे मैं पेस्ट करूँगी। इससे हमारा ये जो कार्डबोर्ड है वो सिक्योर हो जाएगा। साथ में इसके ऊपर हम जब क्राफ्ट करेंगे तो हमारा क्राफ्ट बहुत ही अच्छे से होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह हम पूरे इस कार्डबोर्ड को पेपर के पीसेस से हम कवर कर रहे हैं। तो हमारा ये कार्डबोर्ड कवर होके तैयार है और सूख के भी तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ब्लू कलर को अप्लाई कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर लीजिए और इसे अच्छे से दो कोटिंग लगाकर इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। तो हमारा कलर लग के रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ पत्तियाँ ले रही हूँ। यहाँ पे पत्तियाँ पीछे से इसकी जो नसें हैं वो अच्छे से नहीं दिखती, तो यहाँ पे मैं इस मधुमालती की पत्तियों का यूज़ कर रही हूँ आज का क्राफ्ट बनाने के लिए। ये मधुमालती की पत्तियाँ थोड़ी सी कड़क आती है और साथ में उसके पीछे का पार्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, जिससे हम हमारा क्राफ्ट अच्छे से बना सके। इस पत्ती के पीछे के पार्ट में मैं यहाँ पे वाइट कलर को अप्लाई कर रही हूँ और इसे हल्के हाथों से मैं प्रेस करके इसको यहाँ पे ट्रेस करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये पत्तियाँ बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट होके इसका जो लीफ का शेप है वो बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है। तो इस तरह से आप पत्तियों की यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेस करते जाइए और पत्तियों की जो डिज़ाइन है उसे कलर से आप इस तरह से बनाते जाइए। तो यहाँ पर मैंने वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन लिया है जो मेरे क्राफ्ट को बहुत ही एट्रैक्टिव सा लुक देता है। अब हम यहाँ पे सीढ़ी का यूज़ करेंगे। ये मेरे पास वेस्ट सीढ़ी पड़ी हुई थी तो इसका यूज़ करके मैं आज का क्राफ्ट बनाने वाली हूँ और ये मेन पार्ट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाइट कलर को अप्लाई कर रही हूँ और ये वाइट कलर लग के सूख के रेडी हो जाए, इसके बाद हम इसके ऊपर क्राफ्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले ले है और इस मोल्डेड क्ले से अच्छी तरह से मैं इसे बेलकर एक कॉयल बना रही हूँ और इस कॉयल से हम इस सीढ़ी के ऊपर लिम्पनेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्कल यहाँ पे बना रही हूँ क्ले से और इस तरह से हम तीन सर्कल बनाएंगे इस मोल्डेड क्ले के और हमारे क्ले वर्क को हम रेडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये क्ले वर्क बनके तैयार है। अब हम इस लाइनिंग के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कट भी अच्छी तरह से लग गए हैं और बीच की दो लाइनिंग में हम छोटे छोटे डॉट्स लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे मंडाला टूल का यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रश के पीछे के हिस्से का भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरह हमारा एक क्ले वर्क रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्ले लेके इसका एक गोल बना के इस तरह से पत्तियों जैसा एक शेप दे रही हूँ और हम ऐसी बहुत सारी पत्तियों को रेडी करेंगे। तो मेरी पत्तियाँ रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे
हमारा जो क्राफ्ट सूख गया है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लेकर ब्लू कलर को हम अप्लाई करेंगे। ब्लू कलर का एक हल्का सा कोटिंग करेंगे जिससे हमारा क्राफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का थोड़ा सा कोटिंग करने से ये हमारा क्राफ्ट है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे मैं येलो कलर को अप्लाई कर रही हूँ पूरे क्राफ्ट के ऊपर। तो हमारा येलो कलर लग गया है। अब हम पत्तियों के ऊपर पिंक कलर को अप्लाई करेंगे और इस पिंक कलर, येलो कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन हमारे क्राफ्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स को पेस्ट करेंगे। यही मिरर हमारे लिम्पर्नार्ट की जान है, उनकी शान है। तो इसे हम अच्छे से, हमने जो भी अच्छे लगे उसी शेप के मिरर्स को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैं राउंड शेप और ट्रायंगल शेप के मिरर्स को यहाँ पे पेस्ट करके मेरे क्राफ्ट को मैं रेडी कर रही हूँ। तो आप भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग के मिरर्स को यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्राफ्ट मिरर्स लग के अब रेडी हो गया है। अब हम इसे हमारे क्राफ्ट के ऊपर सेट करेंगे। तो इस सीढ़ी को मैं यहाँ पे इस सर्कल के साइड में मैं इसे सेट कर रही हूँ जिससे मेरा ये क्राफ्ट बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सीढ़ी को पेस्ट कर दिया है और इसके अराउंड हम पत्तियों को भी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इस सर्कल के सीढ़ी के अराउंड छोटी छोटी इस पत्तियों को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि ये पत्तियाँ लग रही है, इससे हमारा क्राफ्ट एक अट्रैक्टिव सा लुक ले रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये क्राफ्ट बहुत ही मॉडर्न और ट्रेंडिंग दिख रहा है। तो पत्तियाँ लगने के बाद तो हमारे क्राफ्ट को चार चांद लग गए। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप शेप के मिरर्स को पत्तियों के बीच में अप्लाई कर रही हूँ और इसके अराउंड हम छोटे छोटे वाइट कलर कौन से डॉट्स लगाएंगे। डॉट्स लगने के बाद तो हमारा क्राफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और मैं इसके बॉर्डर पे एक बेल जैसा, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक बेल जैसा लुक दे रही हूँ और इस पे छोटी छोटी पत्तियाँ बनाकर इसको एक अट्रैक्टिव सा लुक मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्राफ्ट मॉडर्न ट्रेंडिंग पत्तियों वाला लिम्पर्नार्ट बन के रेडी हो गया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जा करके आप मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।